गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आपकी एक्सरसाइज कॉपी में थर्ड ए, थर्ड बी एंड थर्ड सी तीनों हो गई हैं। आज हम थर्ड डी कराएंगे। तो फर्स्ट है आपका एडिशन, कैरी वाले हैं और विदाउट कैरी वाले भी हैं। तो फर्स्ट है ये, अब ये फोर डिजिट में है, ठीक है। सेवन और ज़ीरो सेवन, फोर और वन फाइव, टू और सिक्स एट, और फाइव और टू सेवन, ठीक है। ऐसे ये है एट और ज़ीरो एट, फाइव और थ्री एट, फोर और टू सिक्स, सिक्स और टू एट, क्लियर। अब ये तीनों आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट है आपकी थर्ड ई एक्सरसाइज। अब ये कैरी वाले आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट में किया था। फोर और एट ट्वेल्व, ट्वेल्व का हम टू लिखेंगे, वन यहाँ कैरी लगा देंगे, ओके। वन और फोर फाइव, फाइव और एट थर्टीन, थ्री वन कैरी। वन और सेवन एट, एट और सेवन फिफ्टीन, फिफ्टीन का फाइव वन कैरी। वन और फोर फाइव, फाइव और थ्री एट, ठीक है। ये भी ऐसा ही है सेम। अब ये आपके थ्री डिजिट में और ये हैं फोर डिजिट में, ठीक है। तो हम फोर डिजिट वाला करवा देते हैं, बाकी के सारे आप अपने आप करेंगे। एट और टू टेन, टेन और सिक्स सिक्सटीन, सिक्सटीन और थ्री नाइनटीन, नाइनटीन का नाइन वन या कैरी। अब वन डिजिट में प्लस हो, टू डिजिट में प्लस हो, थ्री में, लेकिन रूल्स वही है, सेम वही है, उसी में प्लस करते जाते हैं। वन और एट नाइन, नाइन और टू इलेवन, इलेवन और सेवन एट्टीन, एट्टीन और सिक्स ट्वेंटी फोर, फोर हो गया, टू यहाँ कैरी लग, ओके। अब ये है टू और नाइन इलेवन, इलेवन और एट नाइनटीन, नाइनटीन और सिक्स ट्वेंटी सिक्स, सिक्स लिख दिया ट्वेंटी सिक्स का, टू यहाँ कैरी हो गया। टू और वन थ्री, थ्री और वन फोर, फोर और फोर एट, एट और टू टेन। अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम पूरा लिख देंगे, अगर आगे डिजिट होती तो वही हम ज़ीरो लिखते हैं और आगे वन कैरी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस आपको अब अपने आप करने हैं, ये टू डिजिट में है, ये थ्री में है, ये फोर में है, इस तरीके से, ओके। अब देखिए, ये मैंने अलग से एक करवाए हैं, है ऐसे ही, लेकिन अगर आपको ऐड इस तरीके से लिखने आ जाए, ठीक है, कि ऐड करिए, तो आप उनको पहले ऐसे लिख लेना, ठीक है। जैसे थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस, वंस, यहाँ मैंने स्पेस छोड़ा नहीं है, आप छोड़ देना ताकि कैरी आपको आराम से लग सके। और सेम वैसे ही जैसे 1864 है, तो आप 1000 को 1000 के नीचे, 100 को 100 के, टेंस और वंस, ऐसे ही सेम इन डिजिट्स को भी आप ऐसे ही लिखें। सपोज करो आपको इसमें अगर ये 1 नहीं दिया जाए तो ये कितना होता, 907। तो हम फिर यहाँ 1000 की जगह नहीं लगाएंगे। आप बच्चे क्या करते हो, 907 आप इधर से लिखना स्टार्ट कर देते हो, तो आप ऐसे नहीं करोगे। सेम आपको वैसे ही लिखना है, वंस के नीचे वंस आना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस और हंड्रेड के नीचे हंड्रेड। अगर आपने हंड्रेड को थाउजेंड में लिख दिया या फिर जैसे टेंस को आपने वंस में लिख दिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगी फिर सारे प्लस में, ठीक है। अभी आप इस तरीके से डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, नहीं तो आप डायरेक्ट भी ऐसे प्लस कर सकते हो। पहले सारे वंस को प्लस करा और फिर आपने टेंस को प्लस करा, फिर अभी आप ऐसे ही करोगे, जब आपको ये रिटर्न आ जाएगा तो फिर आप ऐसे भी करके देखोगे आगे, ठीक है। और फिर सेम प्लस ऐसे ही है जैसे मैंने अभी बताया, इन सबको प्लस करो, कैरी आई यहाँ लगा दो, फिर सबको प्लस करो, फिर कैरी आई यहाँ लगा दो, इस तरीके से फिर प्लस करना है। ये इस टाइप के मैंने टू दे दिए हैं, अभी तो मैंने ऐसे लिख दिया है आपको, आगे से मैं सीधे ऐसे लिखूँगी और आपको अपने आप ऐसे करना है, ओके। थैंक यू।